नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जो जिम्मेदार हैं वही नियम कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला वीर सिंहपुर में सामने आया, जहां पर पीएमओ की सोनोग्राफी सेंटर को दोबारा सील कर दिया गया। पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीएमओ वी के जैन की आदर्श सोनोग्राफी सेंटर आज दूसरी बार सील की गई। उक्त कार्रवाई तहसीलदार कोमल रैतवार ने राजस्व टीम और सीईओ कुंवर कन्हाई की उपस्थिति में की। तहसीलदार कोमल रैकवार ने बताया कि आदर्श सोनोग्राफी सेंटर के संचालक बीएमओ डॉक्टर वी के जैन के द्वारा पूर्व में सील की गई दुकान को बिना अनुमति के खोलकर रात में संचालित किया जाता था। इसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम नेहा सोनी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है और मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रकरण कलेक्टर उमरिया को भेजा जाएगा। गौरतलब है कि बीएमओ वी के जैन के द्वारा बीते महीनों बिना पुख्ता दस्तावेज के सोनोग्राफी सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर कलेक्टर उमरिया संजीव श्रीवास्तव ने इसे सील करा दिया था। बहरहाल इस मामले में अब कलेक्टर द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी ये बात में स्पष्ट हो सकेगा। बिना अनुमति के ही दुकान फिर से संचालित की जा रही थी। आए दिन जो है शिकायतें प्राप्त होने पर एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक को आदर्श फोटोग्राफी सेंटर को सील कराया गया। वर्तमान में पाली में पदस्थ बीएमओ के द्वारा दुकान का संचालन किया जाता है। कारणों से इनकी दुकान सील की गई? बिना अनुमति के इन्होंने अपनी दुकान संचालित की।